बजट की बनी मनीष श्रीवास्तव की फिल्म चार्ली के चक्कर में रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। इस फिल्म में ड्रग प्रॉब्लम को दिखाया गया है और उसके साथ ही ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब कोई माया नगरी मुंबई में आता है तो वो अपने इश्यूज को कैसे हैंडल करता है। फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है कि 28 साल के करण कुमार कक्कर का मर्डर हो जाता है और उसके बाद और भी कई सारे मर्डर्स होते हैं, लेकिन हर एक मर्डर के बाद उसका वीडियो रिलीज किया जाता है। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संकेत पुजारी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अगर खबरों पे यकीन किया जाए तो इस फिल्म के लो बजट के चलते नसरुद्दीन ने इस फिल्म के लिए पैसे भी नहीं लिए हैं। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है और नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग एज यूजुअल काबिले तारीफ है, लेकिन कहा जा सकता है कि फिल्म के कई सारे ट्विस्ट और कैरेक्टर्स उस फिल्म के प्लॉट से अपने आप को कुछ हद तक जोड़ नहीं पाते। चार्ली के चक्कर में फिल्म का म्यूजिक एवरेज है और अगर आप मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस के शौकीन हैं तो शायद आप इस फिल्म को देखना पसंद करें। लेटेस्ट मूवी सॉन्ग्स और ट्रेलर्स के रिव्यूज और गॉसिप्स की ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द बॉम्बे टाइम्स चैनल।